हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन राठौड़ और स्वागत आपका आज के इस वीडियो में। तो भाई फाइनली टीवीएस ने अपनी न्यू बाइक रोनिन 225 लॉन्च कर दी है और आज की वीडियो में इसी बाइक के बारे में, रोनिन 225 के बारे में डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं। इंजन कैसा मिलता है, पावर कितनी मिलती है, ये जो बाइक है आपको कितने का माइलेज देगी, इसकी प्राइस कितनी है, इसके अलावा टायर साइज, ब्रेकिंग, सब कुछ इस बाइक का इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और वीडियो के एंड में ये बात करेंगे क्या ये बाइक खरीदने लायक है या फिर नहीं, वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आगे भी आपको इसी टाइप के बाइक रिलेटेड के वीडियो देखने को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो शुरुआत करते हैं इस बाइक के इंजन के साथ। यहाँ पे इस बाइक में आपको 225 सीसी का इंजन मिल जाता है जो कि एयर कूल्ड प्लस ऑयल कूल्ड है। यहाँ पे एयर कूलिंग और ऑयल कूलिंग दोनों मिल जाती है, तो लॉन्ग राइड में यहाँ पे जो इंजन है ज़्यादा गर्म नहीं होगा, काफ़ी कंफर्टेबल राइड आपकी होने वाली है। पावर की बात करें तो यहाँ पे 20.4 पीएस की पावर देखने को मिल जाती है और इसके अलावा टॉर्क की बात करें तो 19.93 आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो बाइक में टॉर्क और जो पावर है बिल्कुल एक जैसी है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पे पहाड़ों में अगर आप राइड करोगे, लॉन्ग राइड करोगे, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी आपको पावर देखने को मिलेगी, मतलब जो बाइक है काफ़ी शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको दे देगी। माइलेज की बात करें तो यहाँ पे जो इंजन है 200 सीसी के आसपास का है, मतलब 225 सीसी का है, तो जो माइलेज है आपको 35 के अप्रोक्स देखने को मिल जाएगी और अगर आप थोड़ा अच्छे से चलाते हो तो 40 तक का भी माइलेज आपको ये बाइक दे देगी। बात की जाए इस बाइक के डायमेंशन के बारे में तो यहाँ पे जो सीट हाइट है 795 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है। इसका जो वेट है 159 kg इसका वेट है। फ्यूल टैंक यहाँ पे आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। जो व्हील बेस है 1357 mm का व्हील बेस है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो यहाँ पे आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। तो जो ग्राउंड क्लियरेंस है थोड़ा सा कम है, अगर आप ऑफ रोड करते हो या फिर पहाड़ों में जाते हो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बाकी हाईवे पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और जो सिटी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल राइड आपकी हो जाएगी। अब थोड़ी सी बात करते हैं टायर साइज के बारे में और ब्रेकिंग के बारे में। तो यहाँ पे फ्रंट में आपको 110/70/17 का टायर साइज देखने को मिल जाता है। रियर में यहाँ पे 130/70/17 का टायर साइज देखने को मिल जाता है। जो टायर है यहाँ पे ऑफ रोड प्लस ऑन रोड है, ड्यूअल पर्पज़ टायर आपको इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं, तो रोड पे भी अच्छा परफॉर्मेंस है और ऑफ रोड भी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें अलॉय व्हील की तो 9 स्पोक अलॉय व्हील आपको इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं। जो ब्रेक है फ्रंट में 300 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है और रियर साइड में 240 mm का डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल जाता है। इस बाइक में टोटल 3 वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं। जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको ड्यूअल चैनल एबीएस देखने को मिल जाता है, लेकिन जो बाकी के 2 मॉडल हैं उसमें आपको सिंगल चैनल एबीएस ही देखने को मिल पाएगा। और यहाँ पे जो टॉप मॉडल है उसके अंदर एडजस्टेबल क्लच लीवर और ब्रेक लीवर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस बाइक में आपको 2 राइडिंग मोड देखने को मिलते हैं, रेन मोड और अर्बन मोड। थोड़ी सी यहाँ पे बात करें इसके फीचर्स के बारे में तो यहाँ पे आपको फुली LED सिस्टम देखने को मिल जाता है। फुली LED हेडलाइट है यहाँ पे, जो बेक लाइट है वो भी LED है, इंडिकेटर भी आपको LED यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बात करें मीटर कंसोल की तो फुली डिजिटल मीटर कंसोल और काफ़ी सारे भर भर के फीचर इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको डिस्टेंस टू इम्पैटी देखने को मिल जाएगा, कितना फ्यूल है, कितने किलोमीटर चलेगी। इसके अलावा गियर शिफ्ट इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर देखने को मिल जाता है, हेजार्ड स्विच भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और 2 ट्रिप मीटर देखने को मिल जाता है, सर्विस ड्यू इंडिकेशन भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा वॉइस असिस्टेंट, नेविगेशन और इसके अलावा इनकमिंग कॉल अलर्ट और काफ़ी सारे और भी इसमें आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि इस सेगमेंट में किसी और बाइक में देखने को नहीं मिलते। बात करें यहाँ पे प्राइस की तो जो स्टार्टिंग मॉडल है वो 1,49,000 से 1,49,000 से स्टार्ट हो जाता है एक शोरूम, और जो उसका टॉप मॉडल है उसकी प्राइस है 1,68,000 एक शोरूम। तो यहाँ पे जो प्राइस है यार मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, थोड़ी सी हाई लग रही है। मेरे हिसाब से प्राइस जाना यार थोड़ी सी कम होती तो ये जो बाइक है ना यार और अच्छी मतलब लगती, खरीदने में थोड़ी सस्ती पड़ती यार, और जो ऑडियंस है जो अपने यहाँ पे पब्लिक है थोड़ा और ज़्यादा यहाँ पे इसको खरीदने के लिए यार कोशिश कर दी। वैसे यार जो बाइक है टीवी से लॉन्च करी है, जब मार्केट में आएगी तब और देखते हैं कैसा क्या है। इसका जो रिव्यू है अपन करेंगे जल्दी ही, जैसे शोरूम में बाइक आ जाती है इसका रिव्यू अपन कर देंगे। बाकी यार आप भी कमेंट करके बताओ कि आपको बाइक कैसी क्या लग रही है। मुझे लुकिंग वाइज काफ़ी अच्छी लगी, फीचर्स भी काफ़ी शानदार लगे, लेकिन जो प्राइस है मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। मुझे लग रहा है 10 से 15,000 रुपये सस्ती होनी चाहिए थी, मतलब जो भी वेरिएंट है 10-15,000 रुपये सबकी प्राइस कम रही थी तो ये जो बाइक है एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो सकता था। बाकी आपका सोचते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो यार ये तक छोटा सा वीडियो इस बाइक के बारे में, सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। फिर भी कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन इस बाइक को लेकर तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको यहाँ पे उसका रिप्लाई दे दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।